नमस्कार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई एंजल बबूशा में। समाज का तराजू कभी भी स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हकीकत में हम उतनी ही छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। जब पुरुष मदिरा पान करता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, ये तो दस्तूर चला आ रहा है। अगर स्त्री ने गलती से मदिरा पान सबके सामने कर लिया तो वो चरित्रहीन और कुलटक हो गई। बड़ी अजीब बात है, पुरुष स्मोक करे तो हीमेन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। स्त्री अगर कहीं स्मोक करती दिख गई तो एक बार इंसान पलट कर जरूर देखेगा और कहेगा शायद कॉलगल या स्लट है। बड़ी अजीब बात है, पुरुष मैरिटल टर्म्स बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल टर्म्स, कोई कुछ नहीं कहेगा। स्त्री ने शादी के बाद यदि दोस्ती कर ली, इवन पुराने स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स से मिल ली, तो वो एक नंबर की बदमिजाज और बदजात हो गई। बड़ी अजीब बात है, जिस समाज ने हम स्त्रियों को इतने लांछन, इतने हमारे ऊपर चरित्रहीन के धब्बे लगाए हैं, उसी समाज के लिए हम मरती फिरती हैं और समाज 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 कहती फिरती हैं। तो प्लीज़ ज़रा ब्रेन से काम लीजिए, समाज को उतनी तवज्जो दीजिए जितनी की देना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजी स्वतंत्रता हमारा अपना अधिकार है। हमारे संविधान में भी हम स्त्रियों के लिए निजी स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है बाबा साहब अंबेडकर ने। तो प्लीज़ इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वाभिमानी बनिए और कभी किसी से ना डरने की आवश्यकता है ना डरने की। बदतमीजियाँ मत करिए, पर किसी की बदतमीजियाँ सहने की भी एक सहन शक्ति बिल्कुल मत लाइए। याद रखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी का सम्मान वहाँ देवताओं का वास। परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करता है तो कम से कम हम अपना रास्ता बदल कर जाने के लिए सक्षम हैं और स्वतंत्र हैं। मेरी बात पते की है, काम की है। अपनी बहनों को, बच्चियों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सबको दिखाइए, ताकि हर एक स्त्री में ये भाव आए कि हम भी कुछ हैं और हम पुरुषों से कम बिल्कुल नहीं हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है। नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आज हम सब समान हैं, आज स्त्री पुरुष समान है, पर हकीकत में ऐसा किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी समाज में नहीं है। इसलिए धर्म, जाति, समाज को एक तरफ उठाकर रखिए और आपका जीवन आपका है, उसे भरपूर तरीके से खुशियों के साथ अपनी मनमर्जी से गुजारिए। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम।